नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक शुभ समाचार के साथ, जो चांद के पार से आया है, जो समूची दुनिया के लिए है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर उतरा था, तब से प्रज्ञान रोवर चांद पर घूम रहा है। प्रज्ञान रोवर को 14 दिनों में 500 मीटर चलना है, लेकिन अब तक 10 मीटर चल चुका है। इसी दौरान अप्रत्याशित जानकारी हासिल हुई है, ऐसी जानकारी जिसे सुनकर पूरी दुनिया खुश है। हफ्ता नहीं बीता है इस ऐतिहासिक पल को, जब सबसे बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार आया चांद के पार से। ऐसी खबर जिसको लेकर समूची दुनिया टकटकी लगाए हुए थी प्रज्ञान रोवर की तरफ। वैश्विक उम्मीद का पर्याय बन चुके चंद्रयान 3 ने वो संदेश भेजा है जिसके मुताबिक चांद पर जिंदगी की उम्मीद जगी है। मतलब चंद्रमा पर वो मिनरल्स मिले हैं जिसकी खोज में प्रज्ञान रोवर घूम रहा है। उस रोवर में लगे LIBS पेलोड ने कैसे सबसे बड़ी खोज की है चांद पर, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इसरो ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से प्रज्ञान रोवर ने पता लगा लिया है कि चांद पर ऑक्सीजन मौजूद है। मतलब ये सिर्फ खबर नहीं है, ऑक्सीजन के मिलने का मतलब है कि चांद पर जिंदगी की संभावना है। चांद पर जो जो मिला है उसका इसरो ने बाकायदा एक चार्ट जारी किया है। मसलन चांद पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन का पता लगा है। चंद्रयान 3 के रोवर पर लगे पेलोड LIBS ने क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन की खोज की है। चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन की खोज भी जारी है। अगर हाइड्रोजन भी मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रॉकेट के ईंधन की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यह हमें चांद से और आगे दूसरे ग्रहों तक के सफर को संभव बना देगा। इतना ही नहीं, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन का वो खजाना मिल सकता है जिससे हिंदुस्तान का दबदबा बढ़ जाएगा। भारत को चांद के ऊपर सफलता के एक पायदान और ऊपर उठाने में अहम रोल है LIBS पेलोड का। अब जरा समझिए कि ये LIBS पेलोड कैसे काम करता है। LIBS का मतलब लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप होता है। इसे चंद्रमा की सतह में मौजूद तत्वों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। चंद्रमा की सतह पर लेजर से जानकारी जुटाई जाती है। चंद्रमा की सतह पर लेजर से सामग्री पिघलाई गई जिससे गैस बनी। गैस के स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए पदार्थ में मौजूद तत्वों का पता लगाया। बेंगलुरु की लियोज केंद्र ने LIBS पेलोड बनाया है जिसने चांद पर सबसे बहुप्रतीक्षित खोज की है। जाहिर है, यह ऑक्सीजन से लेकर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन तक की खोज सिर्फ खोज नहीं है, यह हिंदुस्तान के कामयाब मिशन की नई कहानी है जो वाकई गौरवान्वित करने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले इसरो ने बताया था कि कैसे प्रज्ञान रोवर चांद पर घूम रहा है, गड्ढों और अवरोधों से बचकर अपने मिशन को कामयाबी की तरफ बढ़ा रहा है। पहले तापमान के बारे में पता लगाया और अब ऑक्सीजन के बारे में, जो अद्भुत है। तो हमारा चंद्रयान बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, और जो जो फाइंडिंग है, जो जो चीजें मिली है, उसका क्या मतलब है, समझते हैं। श्रीनिवास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिर्जा फैजान भी जुड़ेंगे जो कि मशहूर वैज्ञानिक है। लेकिन श्रीनिवास, पहले आपके पास आना चाहूंगा, जरा ये बताइए, अब तक की जानकारी के मुताबिक जो जो पता चल रहा है उसका अर्थ क्या निकाला जाए, मतलब क्या निकाला जाए? देखिए अखिलेश, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मिली है उसके बारे में बताऊं। आप ऑक्सीजन को भूल जाइए, हम सल्फर की बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक मनुष्य का जो मनुष्य की जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। प्रोटीन से ही ये ह्यूमन बॉडी पूरी तैयार होती है, टिश्यू और उसके बाद सेल्स टिश्यू बनते हैं। और उस प्रोटीन का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है सल्फर, एमिनो एसिड और सल्फर। तो अगर सल्फर है तो एमिनो एसिड के बारे में हम सोच सकते हैं, अगर एमिनो एसिड है तो हम प्रोटीन के बारे में सोच सकते हैं। तो सल्फर की खोज खुद में कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि इस सरफेस पे ह्यूमन लाइफ को आगे ले जाया जा सकता है। हालांकि जितनी चीज़ें मिली हैं ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। आप देखिए ना, तमाम चीज़ें, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्का, टाइटेनियम, ये तमाम चीज़ें वहाँ मिली हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन मिल चुका है, हाइड्रोजन की तलाश जारी है, और इसलिए भी उम्मीद और बंधती है। इसरो ने भी अपने ट्वीट में सबसे पहले सल्फर को पिन पॉइंट किया है। श्रीनिवास, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। लेकिन मिर्जा फैजान साहब भी मेरे साथ अमेरिका से जुड़ गए हैं, आप मशहूर वैज्ञानिक हैं। मिर्जा साहब, बहुत बहुत स्वागत,
और चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। श्रीवास को भी आप सुन रहे थे, हम लोगों के लिए इसमें क्या जानकारी है, एक लेमेन की भाषा में आप कैसे समझाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने बुलाया। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो प्रज्ञान ने और नरोक ने हमें भेजी है। अभी आप समझिए हम मून पर क्यों जा रहे हैं, मून का आज इम्पोर्टेंस क्या है। मून पर तो इंसान 1969 में लैंड कर चुका था, अभी हम जो मून पर जा रहे हैं वो मून पर बेस बनाने के लिए जा रहे हैं, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मून का बेस बनाना इज इम्पॉर्टेंट। नाउ बेस बनाने के लिए आपको चीजें चाहिए, आपको प्लांट की ग्रोथ चाहिए। जैसे अभी श्रीनिवासन हमारे साइंटिस्ट बता रहे थे कि एमिनो एसिड्स में सल्फर का इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ सल्फर का जो सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सल्फर इज कि प्लांट के ग्रोथ फंक्शन में, जैसे नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म हुआ, एंजाइम्स एक्टिविटी हुआ, प्रोटीन और ऑयल सिंथेसिस, ये सारे प्लांट्स के, तो दैट टेल्स अस कि हम प्लांट की का ग्रोथ, प्लांट भी वहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो बेस बना करके आगे जाने के लिए, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा फैजान साहब आपका, श्रीवास आपका भी धन्यवाद। तो ये तो एक बहुत अच्छी खबर आई, लेकिन अब जो खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं बुरी खबर है। बात अब हम उस दर्दनाक कहानी की करेंगे जो कोटा की है, जो कलेजा कपाने वाली है, जिसमें बेहिसाब दर्द है, तड़प है, अफसोस है और वो डर है जो बच्चों को अंदर से तोड़ देती है। जिंदगी के सबसे बड़े सपने को लेकर कोटा में रह रहे कई मासूमों को यही खौफ अंदर से खोखला कर रहा है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए इम्तिहान देते देते बच्चे जिंदगी की परीक्षा हार जा रहे हैं। स्तब्ध हो, निःशब्द हो, निष्प्राण हो, बेजान हो, परेशान हो, क्योंकि कायनात की सबसे क्रूर कहानी है ये, जिगर के टुकड़े की अकाल मृत्यु की दास्तान है। कलेजा फाड़ देने वाले उस सच का सारांश है ये, जिसके शब्द शब्द में बेहिसाब वेदना है। माँ के सपनों के छिन जाने की अंतहीन आह है, पिता के मकसद के खत्म हो जाने का अफसोस है, दादा दादी के अरमानों की चिता सजने का दर्द है, भाई बहन के प्यार के फंदे पर लटक जाने का वो जख्म है जिसकी टीस जिंदगी भर सालती रहेगी। वो आपकी रियल भाई था? मेरा मामा का लड़का था, मामा का जन। अब आपका भी मन नहीं लग रहा यार? मन लगने से नहीं होगा, बचपन पूरा उसके साथ ही गुजरा है, मेरे सामने हादसा हो गया, कैसे हम बच सकते हैं? आशीष ने जो कहा उसमें शब्द कम है मगर एहसास समंदर से भी कहीं ज्यादा है। हिम्मत है तो सुनिए, दम है तो देखिए, और ये मत भूलिए कि आदर्श मरा नहीं, उसे मारा गया है। उसे महत्वाकांक्षा ने मारा है, उसे अपनों के सपनों ने मारा है, उसे सड़े हुए समाज और सिस्टम ने उसका खून किया है जो जिंदगी को सफलता के नंबर में आंकते हैं। आज इसका कोई टेस्ट था और ऐसा बता रहे इसके जो बहन है वो कि उसके नंबर थोड़े कम आ रहे थे, लगभग 250 नंबर ही आ रहे थे, 720 से लगातार उससे वो चेक कर। तो सर इसकी जब सिस्टर और ये कहाँ गई हुई थी? ये भी उसी मकान में थे, वो अलग फ्लैट है वो, तो जब उसको खाने के लिए उसने खोला नहीं, खाने के लिए आवाज लगाई तो इसने दरवाजा नहीं खोला। आशीष, आदर्श और उसकी बहन शिवानी एक ही फ्लैट में रहते थे जो गांव भटकोरिया डेहरियांसोन जिला रोहतास बिहार से आए थे। डॉक्टर बनने का सपना लेकर, या कहिए कि किताबों के साथ परिवार के ख्वाब को पूरा करने के लिए भेज दिए गए थे, मगर आदर्श ना तो माँ बाप की महत्वाकांक्षा के दबाव को सह पाया और ना ही उस व्यवस्था के दबाव को जो गाइडेंस के नाम पर मशीन बन चुकी है। 4 महीने पहले हम लोग आए थे यहाँ पर कोटा में, तीनों भाई बहन हम लोग मिल के रहते थे एक फ्लैट में, मतलब कोचिंग से आए हम लोग, खाना बनाए, पनीर का सब्जी बनाए, साथ में मिल के बनाए तीनों लोग पनीर का, फिर खाए हम लोग खाना तीनों लोग साथ में, फिर अपना अपना रूम में चले गए तीनों लोग। ये बहन भी सोई थी क्योंकि इसका भी तबीयत खराब था थोड़ा मोड़ा, और वो भी अपने रूम में सोया था, उसका भी तबीयत खराब था। अब आप भी जा रहे हो? तीनों लोग हमेशा के लिए जा रहे हो? हाँ हमेशा के लिए।
आदर्श न कोई पहला बच्चा था न आखिरी, जो बेहिसाब सपनों के साथ कोटा आया था पढ़ने के लिए, मगर सब कुछ अधूरा रह गया। लातूर के आविष्कार की ये आखिरी तस्वीर है, जो इतनी विभत्स है कि ना तो हम आपको हूबहू दिखा सकते हैं और ना ही आप इसे देख सकते हैं। आविष्कार नाम का लड़का है, जिसकी एज 16 साल 11 महीने है। यहाँ नीट की तैयारी कर रहा था, साथ साथ 12th में पढ़ रहा था। इसके रहने वाला अहमदनगर महाराष्ट्र का है, नाना नानी साथ रहते हैं इसके तलवंडी में। फिर ऐसे आज इसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम 3:20 पर ओवर होना था, 5 मिनट पहले क्लास रूम से निकला। रविवार को टेस्ट खत्म हुआ था, आविष्कार अपनी कोचिंग की छठी मंजिल पर आया, दौड़ लगाई, लौट आया, फिर दौड़ा और छलांग लगाई। बताया जा रहा है कि टेस्ट में आविष्कार को कम नंबर मिले थे, इसलिए वो डिप्रेशन में। हालांकि परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं है, हत्या है। पिताजी और माताजी को 12 बजे उसने जो बातचीत की थी उसकी वजह से तो वो ऐसा करेगा, ऐसा मालूम नहीं होता। किसी इंसान ने आविष्कार के साथ साजिश की या नहीं, ये पुलिस की पड़ताल बताएगी। मगर ये 100% सत्यापित सच है कि सपनों के दबाव में मासूम आविष्कार की सांसें उखड़ गई। मासूमों की सांसों पर नंबर कैसे भारी पड़ रहे हैं, नंबर के खेल में कैसे छोटे बच्चों की जिंदगी फेल हो रही है, ये चौंकाने वाली सच्चाई हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले दिल दहलाने वाला वो आंकड़ा जान लीजिए, जिसमें कोचिंग के शहर कोटा मासूमों की डेथ सिटी में परिलक्षित हो रहा है। जनवरी से लेकर अब तक कोटा में सुसाइड के 24 केस सामने आ चुके हैं। कोटा में औसतन हर महीने 3 छात्र खुदकुशी करते हैं, लेकिन अगस्त महीने में तो 6 बच्चों ने अपनी जान दे दी। 24 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोचिंग में दाखिला लिए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। खुदकुशी से पहले का यह आखिरी शब्द है उस मंजोत का, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर से कोटा गया था। 18 बरस उम्र थी, महज 18 बरस, जब वो बेहिसाब बोझ से दबा हुआ था, अंदर ही अंदर किश्तों में टूट रहा, जब बिखर गया तो आंसुओं की स्याही से 3x3 के 3 पर्चे पर कलेजा निकाल कर रख दिया, पापा को विश किया, माँ से माफी मांगी, दोस्तों और परिवार का ख्याल किया और खेलने की उम्र में उसने इस तरह से खुदकुशी कर ली जिसे बताया भी नहीं जा सकता। लोगों की कोचिंग बंद होनी चाहिए यहाँ के, किस तरीके से ये लोग व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो बच्चों की मौतें हो रही हैं, ये क्या रीज़न है? इन लोगों के काउंसलर हैं, साइकोलॉजिकल डॉक्टर हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग? बच्चों को क्यों मोटिवेट नहीं कर रहे हैं? क्या दबाव है बच्चों के ऊपर? ये सब जांच का विषय है। किसी ने सांस रोक कर जान ली, किसी ने खेलने की उम्र में कूद कर खुदकुशी कर ली, तो कोई पंखे से लटक गया। पिछले साल यानी 2022 में ऐसे 15 बच्चे थे जिन्होंने कोटा में आत्महत्या कर ली, जबकि उससे पहले 2015 से 2019 के बीच ये तादाद 80 की थी। लेकिन 2023 तो काल बन चुका है उन बच्चों के लिए जो अपने और अपनों का सपना लेकर कोटा में कोचिंग करने पहुंचे। कोटा के खूनी किस्से डराने लगे, छोटे छोटे मासूमों की खुदकुशी की खबरें अंदर से हिलाने लगी हैं। वो लोग जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की फिक्र में कोटा की ओर देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि कोटा में इतनी तादाद में बच्चे खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, बच्चों की इस अकाल मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, क्या पेरेंट्स बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं या फिर कोचिंग संस्थानों का सिस्टम बच्चों को मार रहा है, मासूमों की खुदकुशी रोकने को लेकर गंभीर पहल क्यों नहीं हो रही, इन सवालों का जवाब आपको अंदर से हिला देगा। दरअसल कोटा में कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी के कई दुश्मन हैं, कई लोगों की उन पर नजर है। 17 साल 18 साल और 19 साल के बच्चों पर बेहिसाब दबाव है। बच्चों पर पहला दबाव खुद का है, कुछ करने के ख्वाब को पूरा करने का है। दूसरा दबाव पेरेंट्स का है, जो बच्चों की क्षमता और उनकी इच्छा को जाने बगैर उस फैक्ट्री में फेंक देते हैं जहां बच्चों को मशीन सब। अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि कोटा में कोचिंग करने से उनके बच्चों का भविष्य 180 डिग्री बदल जाएगा। कोटा के कोचिंग सेंटर वाले भी यही वादा करते हैं, उन्हें दिलासा दिलाते रहते हैं। फिर शुरू होती है बच्चों के मशीन बनाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत। पहले से बच्चे दो दो दबावों में रहते हैं, उन दोनों दबावों को खत्म करने के लिए तीसरा कोचिंग और टीचर का दबाव शुरू होता है। गांव और छोटे छोटे कस्बों से कोटा पहुंचे बच्चों की जिंदगी यहीं से बदलनी शुरू हो जाती है। शायद वो बच्चे दूसरों बच्चों के से कंपेयर करने लग जाते हैं, वो अपने पढ़ाई का जो उनका फेस होता है वो अपने फेस के हिसाब से उनके पढ़ाई का
जो मेन मकसद होता है वो बदल के वो दूसरों के साथ कॉम्पीट करने में लग जाते हैं। वो ये भूल जाते होंगे कि उनका पेस पढ़ाई करने का और दूसरों के बच्चों का पढ़ाई करने का पेस बहुत डिफरेंट है, तो उन्हें रखना चाहिए कि वो अपने हिसाब से ही पढ़ाई करें अपने पेस के हिसाब से, ना कि कभी होता है कि कोचिंग में पढ़ाई का पेस तेज़ हो जाता है तो बच्चे उसके साथ बैलेंस नहीं कर पाते, तो वो इस प्रेशर में भी हो जाते हैं कि कोचिंग का पढ़ाई और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसमें वो आगे पीछे हो जा रहे हैं। पढ़ाई को लेकर कहीं लगता है कि प्रेशर है कि बहुत ज़्यादा है? हाँ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि आप कंप्लीट कर रहे हो, आप मतलब आप कोटा में मतलब ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो आपसे भी तेज़ होते हैं, आप उनके साथ बैठ के कम्पीट कर रहे हो क्लास के अंदर, तो हाँ प्रेशर तो रहता है। कई बार टीचर से प्रेशराइज हो जाता है, कई बार नहीं होता है, कई बार वो खुद को कंपेयर करते हैं, कई बार वो दूसरों से बोलते हैं कि ऐसा होता है तो बोल दिया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे ही बोल रहे हो। आप अगर किसी से बोल रहे हो कि नहीं मेरे को ये दिक्कत है, कोई आपको बोल रहा है नहीं कुछ नहीं है, तू बस वैसे ही सोच रहा है, तो दिक्कत होती है। असल में कोचिंग में एडमिशन होते ही बच्चों की जिंदगी का इम्तिहान शुरू हो जाता है। होता यह है कि 4-5 टेस्ट होते हैं, उसके बाद बच्चों के अलग अलग बैच बनाए जाते हैं। जिन जिन बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं या कहिए कि नंबर्स के हिसाब से जो बच्चे क्रीम होते हैं उन्हें बैच अलग मिलता है, उससे कम नंबर वालों के अलग बैच बनते हैं। यानी रैंकर्स और बैंकर्स के लिए अलग अलग बैच बनते हैं। असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। एक बार बच्चा नीचे चला जाता है तो पूरे साल ऊपर के बैच में जगह बना पाना उसके लिए मुश्किल सा होता है। यानी कोचिंग के टेस्ट में अगर कम नंबर मिलते हैं तो उस बैच में जगह नहीं मिलती जिसमें क्रीम बच्चे शामिल होते हैं और जिन्हें बेहतर टीचर पढ़ाते हैं। ऐसे में ये बात कम स्कोर पाने वाले बच्चों के मन में बैठ जाती है। कोटा के इंदिरा विहार, राजीव गांधी नगर, लैंडमार्क सिटी या फिर ओरल पार्क इलाका, जहां कहीं भी हो, जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ कमोबेश ऐसी ही व्यवस्था है। बहुत से बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ बहुत पढ़ते हैं, और उसके बाद जब टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाता था जो बच्चा, उनको बैच छोटा कर देते थे, मतलब लोअर बैच में रखते थे, और जो टॉपर्स होते थे उनका बैच डिवाइड कर देते थे, जिसकी वजह से बच्चों में प्रेशराइज होने लगता था कि कैसे हम लोग अपना बैच चेंज करें, कैसे हम लोग ये सब मैनेज करें ताकि हम लोग भी टॉपर्स बैच में जाएं। वो डिस्क्रिमिनेशन दे के प्रेशर, मेंटली प्रेशर बढ़ता था स्टूडेंट्स में। थोड़ा घर से दूर रहने के लिए कुछ बच्चे परेशान रहते थे, फिर बीमारी भी बहुत ज़्यादा, मतलब केयर करना पड़ता था, जैसे खाना अच्छा नहीं मिलता था तो जॉन्डिस, ये वो, ये सब का भी थोड़ा परेशानी रहता था वहाँ पे। प्रेशर तो वहाँ काफ़ी रहता है, लेकिन पर्टिकुलरली मेडिकल का प्रेशर तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, वहाँ क्लासेस जैसे सुबह 6 बजे से 2 बजे तक हमारी क्लासेस रहती थी गर्ल्स बैच, और हर दिन क्लासेस बॉयज़ की उसके बाद रहती थी इवनिंग क्लासेस, हर दिन क्लासेस उतने ही देर 6 घंटे की। देन अगर संडे को प्रेशर, संडे को अगर टेस्ट रहा तो देन अगेन मंडे से क्लासेस रहेगी, तो छुट्टी बिल्कुल भी वहाँ नहीं होती है, तो छुट्टी थोड़ी बहुत मिलनी चाहिए एटलीस्ट कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कवर कर पाए। सवाल है कि क्रीम स्टूडेंट के लिए अलग बैच क्यों बनाया जाता है, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि हर इंस्टीट्यूट इन क्रीम बच्चों को अपना पोस्टर बॉय बनाता है। आखिर क्यों कोटा में बच्चों की जान जा रही है, आखिर बच्चों पर प्रेशर की वजह क्या है, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। जो बच्चे पिछड़ जाते हैं उन्हें बैक बेंचर्स कहा जाता है, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस और वीकली टेस्ट होता है, यानी 6 दिन रेगुलर क्लासेस के साथ अतिरिक्त पढ़ाई और 7वें दिन टेस्ट, ऐसा रेगुलर होता है। बच्चों के जो नंबर टेस्ट में आते हैं वो उनके पेरेंट्स को भेज दिए जाते हैं। असली प्रेशर यहीं से बनता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं। अंग्रेजी मीडियम के बच्चों का बोलबाला होता है, क्लासेस बच्चों की भीड़ से भरी रहती है, टीचर हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाते, शर्मिले स्वभाव के बच्चे क्लास में सवाल जवाब नहीं कर पाते, अक्सर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, लिहाजा स्टडी कवर नहीं हो पाती, और जो 720 नंबर की परीक्षा होती है उसमें बच्चे पिछड़ते चले जाते हैं। कोचिंग संस्थानों के पैटर्न में फंसी कच्ची उम्र के कई बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। पढ़ाई का प्रेशर जरूर रहता है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए फैमिली सपोर्ट जरूरी होता है। वो मतलब कहते हैं कि टीचर सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन सपोर्ट आपका जो मैटर करता है वो पेरेंट्स का सपोर्ट है। अगर वो आपके साथ रहता है तो आप पढ़ाई का प्रेशर फील नहीं करते। हम वो दी हुई चीज़ें ना करें तो वो प्रेशर बिल्डअप होते जाता है, 1 दिन का, फिर 2 दिन का, उस तरह प्रेशर बढ़ते जाता है। अगर हम डेली का काम डेली करें तो प्रेशर नहीं बढ़ता। पापा से तो दिन में कभी भी कॉल करके बात कर लेता हूँ, मम्मी से रोज़ शाम को मैं कॉल पर बात करता हूँ।
बताइए इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है जो नहीं पढ़ पाते। हर किसी का दिमाग एक जैसा कहाँ होता है, लेकिन ये बात ना तो पैसों के लिए बच्चों को मशीन बना देने का वादा करने वाले कोचिंग संस्थान समझते हैं और ना ही पेरेंट्स जो बच्चों के जरिए अपने ख्वाब को पूरा करने की जिद कलेजे के टुकड़े की जिंदगी पर भारी कर देते हैं। भोजन भी सही ढंग से बच्चे को नहीं करवाते हैं, पानी भी सही ढंग से नहीं दे पाते हैं, गंदा पानी। हमने कई बार कंप्लेन यहाँ पटना से ही किया कि देखिए जितने सारे हॉस्टल हैं चाहे जिसमें हमारे बच्ची भी पढ़ती है वहाँ ऐसा ऐसा व्यवस्था है, खाना दाना ठीक से नहीं देता है। एक दो बार लोग सुने लेकिन वो लोग भी विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ज्यादातर बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड के होते हैं। माता पिता के आर्थिक हालात और उनकी आंखों के सपने बच्चों के दिमाग पर हावी होने लगते हैं और फिर वही होता है जो अंदर से हिला देता है। जानते हैं आप, ऐसे बच्चे बेहद इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातें उन्हें चुभती हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। पेरेंट्स को सतर्क करना चाहिए कि वहाँ भेजना बड़ा रिस्की है और पेरेंट्स को भी एजुकेट करके कि वहाँ जब वो रहता है तो क्या क्या करना चाहिए। आईआईटी में मिला तो मिला, ना मिला तो भी कोई बात नहीं। कोटा के बच्चे आजकल आईआईटी में जाते भी नहीं है, बहुत कम संख्या में जाते हैं, तो ये जो भ्रम है ये तोड़ना। चोट करनी होगी उस सड़े हुए सिस्टम पर और ये चोट सरकार को भी करनी होगी और उन पेरेंट्स को भी जिन्हें लगता है कि कोटा के कोचिंग सेंटर गुट्टी पिलाकर बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना देंगे। बचिए और बचाइए अपने बच्चों की जान जो किसी इम्तिहान से बहुत ज्यादा अहम है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।